हाई स्पीकर काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया इस कार के अंदर। देखते हैं आप वॉइस कमांड देंगे तो यहाँ पे अपने आप कार रिस्पॉन्ड करती है। अबे बंद हो जाए यार। ऑथेंटिसिटी का बटन यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपको इंफोटेनमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कार में आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सामने फ्रेम में दोस्तों देख रहे हैं, ये है टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव वेरिएंट। अब ये है 1.5 लीटर टर्बोचार्जर इंजन के साथ देखने में आपको मिल जाएगी। अगर बात करते हैं लखनऊ में इसकी प्राइसिंग की तो 13,30,000 में आपको ऑन रोड लखनऊ में मिल जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं इस वीडियो में क्या क्या कुछ खास मिलता है इस गाड़ी के अंदर एंड क्या ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और जो इसका कलर आप देख रहे हैं, ये है इसका डेटोना ग्रे, साथ में आपको इसमें मिल जाएगी व्हाइट रूफ। अब इस कार के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि 13,33,000 रुपए में ये सब 4 मीटर की डिग्री की जो आपको एसयूवी मिल रही है, इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा व्यू भी देखने को मिल जाता है। तो ये यार जो गाड़ी आप देखते हैं ना, तो एक काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाती है। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं इस वीडियो में कि सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से। अब जो फ्रंट प्रोफाइल आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो फ्रंट प्रोफाइल काफी ज्यादा मैसिव रख दिया गया है। कंप्लीट आपको जो उसका लुक है ना, वो सफारी और हैरियर वाला लुक दे दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्सॉन में, हैरियर में और सफारी में सामने से आप अगर लुक देखेंगे ना, तो बस खाली साइज का डिफरेंस दिखेगा। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ ना, सामने का लुक वो एग्जैक्टली सेम होता चला गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामने आपको देखने को मिल जाता है टाटा का लोगो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे जो ग्रिल मिलती है वो कम्प्लीटली मतलब देखेंगे ओपन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू के लिए यहाँ पे कैमरा प्रोवाइड किया गया है। एंड सामने की तरफ आपको यहाँ पे फ्रंट दो सेंसर्स मिल जाते हैं। अब देखिए, इन फ्रंट सेंसर देने से फायदा ये हो जाता है कि आपकी जो सेफ्टी है वो काफी एनहांस हो जाती है। मतलब इसको कहीं भी वार्निंग करें या फिर कहीं भी इसको आप ट्रैफिक वाली जगह पे लेके जाते हैं तो आप काफी इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए गए हैं वो आपको HID प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। फॉग लैम्प्स की कमी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी, इस वेरिएंट के अंदर मिलेगी। अदरवाइज इसके अपर वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर DRL की बात करते हैं तो DRS में आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको ये इंडिकेटर का भी काम कर देती हैं। कंप्लीट DRL आपको देखने को मिलेंगे नहीं, वो कनेक्टेड वाला टेल लैम्प DRL नहीं देखने को मिलता, बट हाँ ये है कि इसमें आपको DRL प्रोवाइड की जाती है। अब साइड प्रोफाइल में अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे इसके कुछ टायर्स। अब देखिए, टायर जो है ना, इसके अंदर आपको कंप्लीट एलॉय व्हील्स में मिलने वाले हैं और इसमें यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज किया गया है, अब यहाँ पे जो प्लास्टिक की वजह से ना इसके एरोडायनामिक काफी इन्हांस हो जाते हैं। अगर टायर सेक्शन की बात किया जाए, 215/7 R16 के इसमें एलॉय व्हील्स मिलेंगे, डायमंड कट में देखने को मिलते हैं, काफी अच्छा लगता है। सुंदर एक नया टेक्सचर इसमें प्रोवाइड किया गया है। ब्लैक कलर की क्लैडिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो क्लैडिंग प्रोवाइड किया गया है वो बॉडी कलर में देखने को मिल रही है। पीछे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया जाते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है डिस्प्ले। उसके साथ अगर बैक प्रोफाइल अगर चेकआउट करते हैं तो बैक प्रोफाइल जो है यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो भाई बैक प्रोफाइल की अगर बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपको इसका नया लुक देखने मिलेगा। कनेक्टेड टेल लैंप्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं काफी प्यारे लगते हैं, मतलब काफी ज्यादा यार प्रॉमिसिंग लगते हैं। कार वो एक फ्यूचरिस्टिक लुक देखने प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको यार एक चीज की कमी महसूस होगी इस वेरियंट में कि आपको यहाँ पे आपको कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता, बट आपको जो वाइपर है और वॉशर है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। यहाँ पे आपको एक काफी मैसिव साइज का स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। अब इसी स्पॉइलर में आपको प्लेस करना क्या नाम है वाइपर को, तो इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे दिया गया। बाकी आपको जो ऊपर यहाँ पे रूफेज मिलती है वो नॉर्मल देखने को मिलती है आपको, एज आप बोलेंगे कि स्टाइलिंग के लिए, बट फंक्शनल तो मैंने नहीं बोल सकता हूँ, बट नॉर्मली आपको दिए गए हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक शार्कफिन एंटीना प्रोवाइड कर दिया जाता है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया जाता है ऑन द लोगो, एंड साथ में आप दो रिवर्स पार्किंग सेंसर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अब इसकी बूट को ओपन करने के लिए आप दो तरीके हैं, एक तो आपके कार के अंदर यहाँ पे बटन प्रोवाइड किया जाता है डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आप कर सकते हैं। सो अगर आप इसके बूट को ओपन करते हैं तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन प्रोवाइड किया जाता है कीलेस की में भी आपको, और आप यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिवर्स रिकवर सेंसर प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं, काफ़ी इजीली बूट ओपन हो जाता है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं नंबर लाइट यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है वो आपको LED में प्रोवाइड कर दी जाती है। बाकी यहाँ पे जो पार्शल ट्रेडिंग की काफ़ी मैसेज साइज की प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पे आपको बढ़ते हैं 3 किलो के टोटल 4 यहाँ पे हुक्स देखने मिल जाएंगे। बूट लैंप इस कार में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बूट देख सकते हैं। बाकी आपको नीचे टायर सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब नॉर्मली आपको यहाँ पे टायर देखने मिलेगा स्टील में। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग की अगर बात किया जो करीब करीब यहाँ बोला 350 लीटर से अब आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है बूट कैपेसिटी में, तो बूट यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिलता है। टाटा नेक्सॉन में बूट आपको काफी पहले से ही अच्छा दिया जाता था।
उसकी यहाँ पे कोई भी आपको कमी नहीं महसूस होगी। चलिए भाई बूट को बंद करते हैं, चलते हैं कार की कुछ इंटीरियर में एंड वहां पे चेकआउट करेंगे कि कार का इंटीरियर कितना ज्यादा प्रीमियम रखा गया है, क्योंकि 2024 में ना टाटा नेक्सॉन में सबसे ज्यादा काम जो किया गया है वो इसके एक्सटीरियर में और साथ में इंटीरियर में, एक्सटीरियर में इसके फेसलिफ्ट में, बाकी ये कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को कम्प्लीटली चेंज किया गया और इसके इंटीरियर को काफी हद तक चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे अब मैं DRL आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं DRL काफी प्रॉमिसिंग लगती है देखने के लिए। बाकी पुराने नेक्सॉन के कंपैरिजन में जो नया नेक्सॉन का जो लुक है वो काफी ज्यादा एनहांस हो चुका है। अगर यहाँ पे ओवारगम को आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो रिट्रैक्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू के लिए यहाँ पे कैमरा प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड साथ में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑन द ओवारगम। चलिए कार में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड किया जाता है, इससे आप लॉक एंड अनलॉक दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ये चीजें ही एक कन्वीनियंट फीचर हो जाता है हमारे लिए। बाकी यहाँ पे आप डोर ट्रिम को चेकआउट करेंगे तो यार डोर है ना वो कंप्लीट मतलब देते हैं 90 डिग्री तो नहीं बैठा, अप्रॉक्सीमेटली बोला 90 डिग्री पे ओपन हो जाते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया जाता है आपकी सेफ्टी के लिए, ये काफी अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पे जो होटल होल्डर स्पेस आपको देखने मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिड प्रोवाइड कर दी जाती है, बाकी और फोर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे ऑटो अप एंड ऑटो डाउन की तरह फीचर देखने को मिल जाएगा, बाकी ORVM कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डोर ओपनर यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप जो सीट चेकआउट करेंगे तो सीट काफी ज्यादा यहाँ पे कुशनिंग पर अच्छी प्रोवाइड की गई, एयर बैग की बैचिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको जो सीट्स हैं वो यहाँ पे बकेट सीट्स मिलती हैं। यहाँ पे सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है ड्राइवर साइड के लिए। सीट यहाँ पे मतलब ये है कि कंप्लीट फैब्रिक में देखने मिलेंगी, कोई भी यहाँ पे लेदराइज नहीं दिया गया है, पर लेकिन सीट की क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। अब कार में अगर एंटर कर देता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ बैठ के कि कितना अगर हमें कंफर्ट मिलता है, साथ साथ मैं आपकी इसके इंटीरियर को भी चेकआउट करा देता हूँ। सो अगर अब इंटीरियर की बात कर लिया जाए तो इंटीरियर अब यहाँ पे आप भाई कंप्लीट चेंज देख सकते हैं नेक्सॉन के 2024 के फेसलिफ्ट में। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज देखने का आपको मिलेगा ये है स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे डी कट में देखने मिलता है, यहाँ पे आपको एयरबैग बैजिंग मिल जाएगी। अब ये जो आपको सेंटर में आप लोगो देख रहे हैं ये इल्यूमिनेटेड मिलता है देखने के लिए, मतलब कार ऑन होती है सबसे पहले आप यहाँ पे इसको नोटिस कर सकते हैं। लाइट को ऑफ कर दिया जाए भाई, हाँ तो भाई यहाँ पे अभी गायब हो चुका है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ इग्निशन को, मतलब इग्निशन को ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हैं कार का कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल कंप्लीट डिजिटल में आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे कोई भी एनालॉग वाला काम नहीं रह गया है, बाकी इसके अंदर सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, ट्रिप इन्फॉर्मेशन साथ साथ में ड्राइवर असिस्ट एंड सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। हाँ तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल आपको बटन प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के सभी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो वॉल्यूम अप और डाउन हो या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं वॉइस कमांड भी यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं आप वॉइस कमांड देंगे तो यहाँ पे अपने आप कार रिस्पॉन्ड करती है। से अ कमांड, ओके भाई कमांड दे चुके हैं यार, हटाओ इसको। से अ कमांड कैंसिल्ड, अबे बंद हो जाए यार। सो सेंटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 10.5 इंच की इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे जो इसका टच रिस्पांस है ना पुरानी नेक्सॉन के कंपैरिजन में काफी अच्छा हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पांस हो चुका है, काफी स्पीकर बहुत काफी अच्छे कर दिए गए एंड उसके साथ साथ अगर बात किया जाए इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू मिल जाता है। तो अगर उसमें हम जाते हैं 360 एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस आपको देखने को मिल जाएगा एंड 360 डिग्री कैमरा व्यू के लिए आप सराउंड व्यू 360 देखने मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं इसके व्यू को। साइड व्यू फ्रंट व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, बैक व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साइड में आपको मिल जाता है, मतलब 360 डिग्री कैमरा व्यू जो है ना वो काफी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव काम करता है। बाकी 3D आप व्यू भी देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड अगर इसका बात किया जाए रिकॉग्निशन जो आसपास गाड़ियां या आसपास व्हीकल्स है तो उसका भी काफी अच्छा ही कर लेती है। चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं वॉइस असिस्टेंट पे, आपको उसमें मिलता ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है एंड उसके साथ साथ अगर नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है काफी हद तक ठीक ठाक और यहाँ पे टेक्सचर आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं। सेंटर में यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको हजार लाइट का यहाँ पे देखिए, पहली बात तो सारे के सारे यहाँ पे जो आप बोलेंगे ना बटन थे वो हटा दिए गए, यहाँ पे सारे कैपेसिटी बटन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं एंड उसके साथ यहाँ पे आपको एसी ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएगा और बूट ओपन का बटन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, लॉक अनलॉक का एंटीसिटी का बटन यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपको इंफोटेनमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे टेल गेट ओपन है तो इसने पहले हमें इंडिकेट कर दिया है।
उसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आपको और प्रोवाइड की जाती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको मिल जाएगा, यूएसबी सी पोर्ट मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग के लिए, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 3 एम्पीयर का, एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे यूएसबी ई पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये कार आपको कम्प्लीटली एएमटी मिलती है, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे इसका गियर नॉब देख सकते हैं, एंड उसी के नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। बाकी पीछे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब कप होल्डर की प्लेसमेंट काफी मतलब छोटी लगती है बस देखने में, ये थोड़ी सी कमी मैं कहने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे जो हैंडरेस्ट है वो हटा दिया गया है, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। आईआरवीएम जो आपको इसमें मिलता है वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम आपको प्रोवाइड किया जाता है। सनशेड्स में आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा ड्राइवर साइड के लिए, एंड को पैसेंजर साइड के लिए आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया जाता है। हेलोजन में आपको यहाँ पे कैबिन लैम्प देखने को मिलेगा। इस कार में आपको, इस वेरिएंट में आपको कोई सनरूफ प्रोवाइड नहीं की जाती है। बाकी आपको एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ये आपको इंडिकेट करता रहेगा कि एयर बैग ऑन है या ऑफ है, तो वो चीज काफी अच्छी है। टोटल कार के अंदर आपको 6 एयर बैग देखने को मिलेंगे, भाई टाटा का लोहा है तो यार काफी ज्यादा मजबूत गाड़ी तो बनी जाती है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर ही रहा था तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कार का स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे टिल्ट देखने को मिलने वाला, बट टेलीस्कोपिक प्रोवाइड नहीं होता है यहाँ पे। अब कार में आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यार स्पोर्टी लुक आपको, स्पोर्टी फील भी आपको काफी अच्छा आने वाला है। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स को अगर चेकआउट किया जाए तो काफी मैसिव साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिलने वाला है। अब ये कोई भी कूल्ड या फिर लाइटनिंग के साथ नहीं आता, बट ये है कि काफी बड़ा आपको ग्लव बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया गया है ग्लव बॉक्स। उसके साथ साथ आप इंटीरियर के बाद चेकआउट कर सकते हैं, कम्प्लीटली ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन में किया गया है यहाँ पे, और ऊपर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड भी काफी अच्छा दिया गया है। इवन मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बोनट भी विजिबल हो जाता है, तो आपके ड्राइव एक्सपीरियंस भी काफी एनहांस हो जाता है। तो ये कुछ आपको भाई था फ्रंट प्रोफाइल, और चलिए चलते हैं अब इसके हम सेकंड रो में, एंड वहां पे मैं बैठ के दिखाता हूँ स्पेसिंग का क्या सीन रहने वाला है। सीट को अब एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू माई हाइट, अब सीट को मैंने एडजस्ट कर लिया है, चलिए पीछे चलते हैं फिर वहां पे हम लोग चेकआउट करते हैं। तो बैक प्रोफाइल में अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये डोर हैंडल आपको प्रोवाइड किए गए हैं, कम्प्लीटली व्हाइट फील में दिए गए हैं, एंड यहाँ पे विंडो भी कंट्रोल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डोर ओपनर मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे बोटर होल्डर स्पेस थोड़ी सी आपको यहाँ छोटी महसूस हो सकती है, बाकी यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अब कार की यहाँ पे जो सीट्स हैं वो काफी बड़ी दी गई हैं, जिससे मतलब आपका कम्फर्ट काफी इन्हांस हो जाता है। यहाँ पे एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाएंगे दो, बाकी यहाँ पे 3 पिन यहाँ पे एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। अब एंटर अगर करूँ गाड़ी के अंदर तो अब यहाँ पे आप चेकआउट करिए स्पेसिंग को, अब स्पेसिंग देख सकते हैं मैं 5'8" इंचेस का हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही है। अब देखते हैं ना, पहले ऊपर हेडरूम की थोड़ी कमी महसूस होती थी, लेकिन अब हेडरूम में मुझे काफी अच्छा पे मिल रहा है। उसके साथ यहाँ नीरूम आप देख सकते हैं, कहा मैं स्ट्रेच भी कर दूं तो भी इतना मुझे डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। सेंटर में आपको यहाँ पे 2 एसी वेंट्स दिल जाएंगे, बस ये एक चीज कमी है कि पीछे के पैसेंजर्स के लिए कोई भी यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे डोर ग्रैब हैंडल जो है वो सॉफ्ट टच में देखने को मिलेंगे, हुक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है दोनों साइड के लिए। एक बार आप इंटीरियर को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं फिर से, काफी मतलब प्रीमियम बना दिया गया है पिछले वेरिएंट के कंपैरिजन में, मतलब पिछले जो साल में जो आता था नेक्सॉन उसके कंपैरिजन में काफी अच्छी बना दी गई है इस साल। तो इस तरीके की आपको गाड़ी देखने को मिलने वाली है। हाँ, ड्राइवर आप देख सकते हैं, फ्रंट सीट बेल्ट भी आपको यहाँ एडजस्टेबल हाइट के साथ देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई, कुछ इस प्रकार की गाड़ी थी। यहाँ पे आपको कोई हैंडल्स तो नहीं मिलता है, एंड फ्रंट में भी आपको नहीं मिलता है, कुछ इस प्रकार की आपको गाड़ी देखने को मिलती है। अब 13 लाख रुपए आप इसमें खर्च कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कार की, कुछ इंजन की, और एंड देते हैं फाइनल वर्डिक्ट एंड वीडियो ग्राफ करते हैं जल्दी से। थोड़ा बात किया जाए भाई कि इसमें आपको कैसा इंजन प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अंदर आपको 1100 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन देखने मिल जाएगा, 1.5 लीटर रिवर ड्रॉन इंजन मिलता है देखने के लिए। उसके साथ साथ अगर इंजन की पावर की बात की जाए तो 118 बीएचपी की पावर, और इसमें आपको 170 एनएम का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। अब ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसकी अगर माइलेज क्लेम की बात करें तो 17.5 किलोमीटर का माइलेज आपको ये दे देने वाली है। आप बोलेंगे हाईवे पे, बाकी आपके ड्राइव एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं। उसी के साथ अगर मैं फाइनल बजट की बात करूँ कि क्या ये वेरिएंट इस प्राइस ब्रैकेट में लेने लायक है या नहीं है, तो हाँ भाई, 13,99,000 या बोला 13,33,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाने वाली ऑन रोड लखनऊ में, एंड इस प्राइस ब्रैकेट में ये आपको काफी कुछ ऑफर कर देती है। इवन आपको यहाँ पे एक्सटीरियर भी प्रॉफिट काफी अच्छा दिया गया, इंटीरियर भी काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया। उसे देखते हुए अगर मैं कहूँ कि इस प्राइस ब्रैकेट में आप इस कार को जरूर परचेज कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन की बात किया जाए तो इसके कंपैरिजन में आपको और कौन गाड़ी मिल सकती है, तो वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, और साथ साथ में महिंद्रा की 3XO हो गई। लेकिन अगर थोड़ा हटके लेना चाहते हैं एंड टाटा का भाई भरोसा है तो आप यहीं पे ले सकते हैं गाड़ी को।
उसके साथ चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए और लेकर आते रहा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।